नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल, और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या में आज रुक रुक कर हो रही धीमी बरसात के बीच गुरु पूर्णिमा पर्व पर सरयू में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान करके नागेश्वरनाथ, कनक भवन, राम जन्मभूमि मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और मणिराम दास की छावनी गोकुल भवन, बड़ा स्थान अशर्फी भवन, राज गोपाल मंदिर और हनुमान बाग सहित सभी प्रमुख मंदिरों में गुरु चरण रज व आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। गुरु व्यास को केंद्र बिंदु में रखकर मंदिरों में पूजन रस्म किए जा रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज शाम अयोध्या के नया घाट फैजाबाद में गुप्तार घाट पर सरयू माँ की 1051 बत्ती की महाआरती की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। इसी क्रम में आज बड़े हनुमान मंदिर जानकी पर भी गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। श्रद्धालुओं को महंत छवि राम दास जी ने सभी शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आज का विशेष क्या है महाराज जी? और आज ही के दिन सारे शिष्य गुरुकुल से पढ़ करके जब विदा हो करके जाते थे पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो आज के दिन गुरु जी को यथाशक्ति श्रद्धा सुमन भेंट करके आशीर्वाद लेते थे और यथाशक्ति दक्षिणा अपना देते। तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा है और बड़े धूमधाम से अयोध्या जी में सारे महाराज जी यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए कहाँ कहाँ से आए, किन किन प्रांतों से आए हैं, क्या कैसे बता रहे? लखनऊ से, दिल्ली से, गोरखपुर से, फैजाबाद से, अलग अलग प्रदेश से भी और जिलों से भी। क्या इनका है मेन उद्देश्य, क्या आप इनको दे रहे हैं आज दक्षिणा के रूप में, क्या दे रहे हैं आप इनको? भगवत चरण के जो आश्रित जो इधर उधर भटके हुए प्राणी जीव हैं उनको आज ठाकुर के चरण में समर्पित करने का काम हम करते हैं। हमेशा सुख समृद्धि, शत्रु निवारणार्थ आदि आदि आशीर्वाद भी दिया जाता है। महाराज जी एक सवाल ही आता है, श्री राम जन्मभूमि सरयू मोक्षदायिनी है, श्रद्धा आस्था का केंद्र है, सर्वायाम सब तीर्थान्य उचित सर्वदा जल रूपेण ब्रह्म सरजू मोक्ष तथा मोक्ष को देने वाली साक्षात मोक्ष दायिनी है। मन मंत्र शास्त्र काशी वासने यत फलम समाप्त होती सरजू दर्शने कर दे। इनके दर्शन से इतना फल है कि जो मन मंत्र बरस तक काशी में स्नान करने का फल है वो फल यहाँ सरजू दर्शन से है। ये मोक्षदायिनी सरजू है, यहाँ तो हमेशा हमेशा का फल ही फल है। ये लिए सरजू स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं कि सरजू का भी पूर्ण लाभ मिले, गुरु जी का भी पूर्ण लाभ मिले। ये लिए सब पब्लिक आप देख रहे हैं बरसात में दौड़े हुए हैं। फैजाबाद जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें नए मतदाताओं का बढ़ाने, संशोधन आदि का काम किया जाना था, उसका खूब मजाक उड़ाया गया। कहने को तो ये कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन जिले के अधिकारियों ने इसे हंसी का पात्र बना दिया है। आज सुबह इस कार्यक्रम के हकीकत जानने साके न्यूज की टीम आदर्श इंटर कॉलेज पहुंची, तो बस वहां पर बीएलओ रंजना वैश अपने सहयोगी के साथ उपस्थित थीं, परंतु उनके पास कोई भी कार्यक्रम से जुड़े फॉर्म नहीं थे। लोग उम्मीद से आ रहे थे, परंतु फॉर्म न होने के कारण वापस जाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि इनके पास मतदाता सूची भी नहीं थी। पूछने पर बीएलओ ने बताया कि सुबह से बैठक है, अभी तक कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुँचा है। समय पर वेतन ना मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं
सहायिका बहुत परेशान हैं। एक केंद्र पर बैठी बीएलओ जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी ने बताया कि हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, बस आंगनवाड़ी के अलावा काम बता दिया जाता है और तनख्वाह कई कई महीने नहीं मिलती, कैसे खर्चा चलाएं। जहां कहीं भी काम होता है हमें भेजा जाता है और कई अतिरिक्त पैसा भी नहीं दिया जाता, सारा पैसा अपने पास से ही खर्च करना पड़ता है। अभी पोलियो ड्रॉप से छूटे तो इसमें लगा दिया गया, इसके बाद कहीं और लगा दिया जाएगा। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं सुबह 10 बजे से जी, और शाम 5 तक रहना है, 4 बजे तक। 4 बजे तक जी। तो क्या समस्याएं आ रही हैं आपके साथ? अब ऐसा है कि जो लोग आ रहे हैं फार्म संबंधी, फार्म हमको मिला नहीं स्टेशनरी, ये हमको बताया गया जब कोई आपत्ति या कोई कागज लेके आता तो आप लोग ले लीजिएगा, हम लोग बैठे हुए हैं। तो कुछ अभी कुछ तो कर्मचारी नहीं आया, कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी आपको देखने के लिए नहीं आया, और आप सुबह से बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपको पानी तक भी नहीं मिल पा रहा जी, है ना? ये समस्याएं हैं, और जितने प्रशासनिक अधिकारी आपको कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, अभी कोई नहीं आया सर अब तक तो। और कोई फार्म वगैरह आपको दिया गया? नहीं, अभी फार्म नहीं मिला। क्या नाम आपका है? भगवान प्रसाद यादव। थैंक यू, धन्यवाद। आप आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती हैं जी, और आज आप यहाँ पर बैठी आदर्श इंटर कॉलेज में जी, आपको यहाँ पर दिया गया था कि सुबह से आप यहाँ पर बैठी है जी, जी। तो कितने बजे से आपको आना था यहाँ पर? जी सर 10 बजे से। कब तक बैठा? 10 से 4। तो 10 से 4 के बीच में कुछ लोग आए यहाँ पर? कुछ 2-4 लोग आए, लेकिन स्टेशनरी नहीं हमारे पास है, तो हम क्या उनको दें, क्या बताएं? यानी आप लोग कोई बस्ता दिया नहीं गया? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हम लोग को मिला है सर। कितनी ड्यूटी हम लोग करें, कल भी पोलियो से छुट्टी पाए, आज इसमें मतलब हम लोग फ्री नहीं है, काम पे काम लग रहा, लेकिन पैसा किसी का कुछ नहीं, खाली मेहनत करते जाइए। हम लोग भी अपने छोटे, यानी आप लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है? नहीं, सैलरी मिलती है, लेकिन उसी 4,000 की सैलरी में सारे विभाग का काम हमें करना पड़ता है। नगर पालिका राशन कार्ड का सर्वे भी हम लोगों को मिला है, पहचान पत्र का भी मिला है, पोलियो का जो भी 75 रुपए एक दिन का मिलता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के सारे विभाग का हमें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मेहनत कराया जा रहा है। देखिए सरकार हमारे लोग की सुनवाई नहीं करी, 4,000 रुपए में हम कैसे अपने घर का खर्चा चलाएं। आप जो है यहाँ पर सुबह 10 बजे बैठी हैं और अभी 4 बजने वाला है जी, जी। और इस बीच में कोई भी आपसे मिलने नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं, कर्मचारी तक नहीं आया कुछ होगा? नहीं, कहीं कोई साइन नहीं, कुछ नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग की ड्यूटी है, कोई मतलब नहीं है। बस अगर आप प्रेस वाले भैया लोग ना आए तो कोई वही नहीं कि हम लोग की कोई वैल्यू है, बस ड्यूटी लगा दी है, मैसेज आ गया, आप जाके बैठिए। इसके पहले भी ड्यूटी लगी? जी जी बराबर, हम लोग आज कई साल से कर रहे हैं। कल भी कहीं थी? नहीं, कल तो पोलियो चल रहा था, पोलियो कर रहे थे। अब आज यहाँ पहला दिन यहाँ ऐसा पहली बार कभी और हुआ? हमेशा होता है सर, हमेशा होता है, हमेशा देख के आता है, ज्यादातर होता है, कोई अधिकारी बहुत कम आते हैं, कभी कभी आ गए कभी नहीं आए। 15 अयोध्या में सरयू नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सरयू का जल स्तर इस समय वार्निंग लेवल को पार कर चुका है और खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिसको लेकर प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। बढ़ते जल स्तर को लेकर सरयू के कछार में तेजी से कटान बढ़ रही है। प्रशासन ने सरयू के कछार एरिया में अलर्ट घोषित कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग की माने तो सरयू नदी का जल स्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ऐसे ही जल स्तर बढ़ता रहेगा, तो अयोध्या में नदी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। नदी का जल स्तर इस समय 91.790 है, जो कि वार्निंग लेवल 91.730 से 6 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, और अभी इसके बढ़ाव 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जारी है। आगे की स्थिति लगभग 94 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से नीचे है, आने वाले दिनों में ये डेंजर लेवल क्रॉस कर सकती है। उच्चाहार कांड को लेकर चाणक विचार मंच काफी आक्रोशित है। चाणक विचार मंच के संरक्षक अवधेश मिश्र ने बताया कि ब्राह्मण समाज ने सभी चुनाव में भाजपा को जिताने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन आज उसी भाजपा के राज में ब्राह्मण वर्ग सुरक्षित नहीं है। अवधेश मिश्र ने बताया कि यदि ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव हुआ और मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों के विरोध में
बोलने वाले मंत्रियों पर लगाम ना लगाई तो अगले चुनाव में ब्राह्मण समाज इसका समुचित जवाब देगा। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की जो है निषेध हत्या हो रही है और उत्तर प्रदेश शासन का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री वहां मिलने नहीं गए और आज आप लोग डीएम से कुछ संबंधित ज्ञापन सौंपे हैं, इसमें क्या है, कैसे है बताएं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार कांड जिसमें 5 ब्राह्मणों की नृशंस हत्याएं की गई हैं, जिस पर चाणक विचार मंच गहरा क्षोभ प्रकट करता है और चाणक और रायबरेली के ऊंचाहार कांड के अपराधियों जो उन 5 नवयुवकों को नृशंस रूप से अमानवीय हत्याएं की हैं वो बहुत ही दुखद है, उन पर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर सजा दी जाए और हम सब इसके विरोध में लगातार हर तरीके से रोड पर प्रदर्शन, धरना और अनशन ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से हम मांग रखते हैं कि वो आज आपका प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलने गया तो क्या मांगे थी आपकी? हमारी ये मांगे हैं कि मृतकों के परिवार वालों की सुरक्षा दी जाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको दंड दिया जाए, CBI जांच कराए जाने की मांग हम लोग रख रहे हैं। परिवार के सावन मेला आते ही ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की चेकिंग तेज कर दी है। आज जेल के पीछे ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने साकेत न्यूज को बताया कि चेकिंग समाज में जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है, साथ ही 3 सवारी हेलमेट कार में सीट बेल्ट लगाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है, जो भी इसके वंचित मिला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पर जो जियासी ओवरब्रिज के पास आपने जो है चालान लगाया है आपने चेकिंग अभियान, इसमें कैसे क्या है? इसका मेन मकसद है जनता को हेलमेट के प्रति जागरूक करना और 4 पहिया में सीट बेल्ट लगा के जागरूक करना कि सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहनिए 2 पहिया पे और क्या कहते हैं कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आगे सावन मेला आने वाले सावन मेला में कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और जैसे अभी कोई 3 सवारी है या हेलमेट लगाए हुए तो भी रुका जा रहा है, क्या मामला है? नहीं, जब 3 सवारी है तो रुका जाएगा ही नहीं, हेलमेट लगाए हुए उसके बाद हेलमेट लगाने के बाद अगर 3 सवारी चल रहे तब भी गलत है नहीं, अगर सिंगल हेलमेट लगाए हुए और क्या अगर केवल हेलमेट लगाए हो और पेपर ना हो तब क्या होगा? नहीं तो फिर गाड़ी सीज होगी। आज आपने कितनी गाड़ियाँ सीज की? अभी तो सीज अभी ऐसी कोई गाड़ी मिली नहीं है। सम्मान शुल्क भी ले आ रहा है? हाँ, सम्मान शुल्क यार जो आते हैं जिसके पास हेलमेट नहीं है उसके पास जिस हिसाब से है कागज नहीं है उस हिसाब से। तो ये पूरे जनपद में चल रहा है या केवल शहर में ही? आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार।